रामचंद्र जी की तपस्थली है। जब भगवान राम ने रावण को मारा था तो भगवान को यहाँ पर ब्रह्म हत्या लगी थी, तो भगवान ने बैठ के यहाँ पर तपस्या की है। त्रेता युग का है। तो ये यहाँ पे नदी पे जनता और मम्मी जा रही है यहाँ से नीचे और उसके बाद हम लोग पानी में जाके शुद्ध करेंगे अपने आप को। और ये नदी देख लो, इतनी प्यारी नदी है यहाँ पे। और ये हमारी प्रिया डब्बे में पानी भरते हुए, और इससे भरा बिल्कुल भी नहीं जा रहा है ऊपर, तो इसने अपना डब्बा रखा हुआ है। ये देखना, पत्थर के ऊपर इसने रखा हुआ है, तो पानी कहाँ से भरेगा? पानी सारा नीचे चले जा रहा है, कोई फायदा ही नहीं हो रहा है मैडम का। भरो भरो मैडम, जल्दी जल्दी भरो पानी। फाइनली बस थोड़ा बहुत इसने भर ही दिया है। और यहाँ से पानी देखो कितनी तेज आ रहा है, बहुत तेज भाव में जा रहा है, और इस तरफ से बहुत हल्के पानी जा रहा है, शांत होके जिसे कहते हैं। और बहुत प्यारा व्यू है यहाँ पे दोनों। आप लोगों को दिखाती हूँ बहुत ही प्यारा सीन यहाँ पे। आप देख सकते हो मच्छी आएंगी बहुत सारी, ये देखो बहुत सारी हैं, हद से ज्यादा हैं, बट पानी की लहर की वजह से ना ये दिखाई नहीं दे रही है, इनका नीचे चली जा रही है। देवप्रयाग आ गए थे और अभी नीचे जाके पानी में भी जाके आ गए हैं। थोड़ा सा अपने ऊपर छिड़काव कर लिया है क्योंकि अभी ऊपर मंदिर में जाना है। तो मेरे साथ जो है वो मेरी सिस्टर आ रखी है, जो कि तो जो कि आप लोगों ने वीडियो में देख लिया होगा, ये मेरी सिस्टर है। बोल रहे हो छोटी बहन हूँ पर लग बड़ी रही है हाइट में। प्लीज़ हाइट हाइट में मत जाना, प्लीज़ हाइट में मत जाना। बोल रहे होंगे कैसे सिस्टर, फेस तो मिल नहीं रहे हैं,
तो हम लोग पूरे मिल तो रहे हैं, और कितने मिल रहे हैं। नहीं तो मैं बता दूँ, हम मेरी मौसी की लड़की है, कजन्स है हम लोग, तो बस अब थोड़ा बहुत हम लोग मंदिर जो है घूमेंगे, पानी में जाके आ गए हैं। छिड़काव कहते हैं ना, पवित्र होना पड़ता है। पवित्र हो गए, इनके सारे पाप धुल चुके हैं, फाइनली ये शुद्ध है। तेरे भी सारे पाप धुल गए भाई। बस अब इसके बाद सीधा जो है ना ऊपर मंदिर जाएंगे, और आपका मंदिर दिखाते हैं ऊपर का, बहुत प्यारा है। मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ, बट मैंने फोटोज वगैरह जो है वो देखी है। अब मिलती हूँ आप लोगों को सीधा मंदिर पे। तो गाइज मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि जो ये वाली नदी जा रही है जो बिल्कुल ही शांति सी है, इसको कहते हैं बहू, और जो वो वाली है उसको कहते हैं सास। तो यहाँ पे ये माना जाता है इनका संगम होता है यहाँ पे। तो कुछ ऐसी ही स्टोरी है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई बहन ने बताता है तो कोई ननद या कुछ बोलता है, बट वैसे सास और बहू बोलते हैं। तो गाइज आप जो ये सीढ़ी देख रहे हैं तो ये जा रही है सीधा मंदिर की ओर, तो हम चलते हैं अब सीधा मंदिर की ओर, और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का मंदिर कितना प्यारा है, क्या बनावट है, इसके बारे में थोड़ा कुछ जो नॉलेज मिल सके। थकान लग गई, फिर और हालत खराब हो गई। जब भगवान राम ने रावण को मारा था तो भगवान को यहाँ पर ब्रह्म हत्या लगी थी, तो भगवान ने बैठ के यहाँ पर तपस्या की। त्रेता युग का है और वो अंदर रामचंद्र जी की मूर्ति है। हाँ वो इनकी ये गद्दी मानी जाती है यहाँ पे। यहाँ का छोटा मार्केट है, कितनी प्यास लगी है, मेरे लिए छोड़ दियो बहन पानी। तो फाइनली हम लोग जो है ना यहाँ पे पुल पे आ गए, खाली खाली पुल, और ये रहा पीछे पानी, जो दो संगम मिलता है ये रहा वो संगम। ये भागीरथी नदी है। कह रही क्या कहने जा रही थी, ये भागीरथी है शांत पानी। नहीं ये दोनों है, ये जो है दोनों है मिलके आती है आगे से। हाँ वो मिलती है ना वहाँ से, देखो वहाँ से इधर से आ रही है, वहाँ से इधर आ रही है, तो ये दोनों जो है मिलती है, संगम होता है इनका। तो बहुत अच्छी नदी है, जो नहीं आया है ना वो प्लीज यहाँ पे आओ, बहुत अच्छा है। हमें तो बहुत मजा आया, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पर, फर्स्ट टाइम ही मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। क्यों बहुत अच्छा है भाई, क्या ख्याल है? बहुत अच्छा है, पूरी तरह अग्री करती हूँ, आपको जरूर आना चाहिए। जितने भी हैं अपने फैमिली को यहाँ पे लेके आओ, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा व्यू है यहाँ पे। और मैं नवंबर के लास्ट में आई हूँ, जो ठंड से जो हालत खराब हुई है ना पानी में, अब मैं गर्मियों में आऊंगी और गर्मियों में आके डुबकी जरूर मारना चाहूंगी यहाँ पे, तो बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत मजा आया। तो अब तू भी अपनी फैमिली को लेके आई हो यहाँ पे, आप लोग भी लेके आ रहे यहाँ पे। मम्मी से बात कर रही है अभी, तो मैं बात करवा दी हूँ उनके से। इसका फोन बंद हो चुका है, और कुछ बोलना है मैडम आपको? जी बस हम ये खा रहे हैं, अब खा के फिर हम घर जाएंगे, इसलिए हम आप लोगों को मेरी तरफ से बाय।
सही से तो बोला नहीं जा रहा डोमिनोज में, क्योंकि सब देखते हैं, सबको पता ही है, सब आजू बाजू देखते हैं, तो मैं भी इसलिए नीचे करके बना रही हूँ कि लोग बोल रहे होंगे पागल है ये। तो बस मैं भी मिलती हूँ, सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक ज़रूर कर देना और ज़रूर बता देना कि वीडियो कैसी लगी आपको। तो तब तक बाय।